वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पाकिस्तान के मंत्रियों से अपना देश तो नहीं संभाला जाता और वो दूसरों को नसीहत तो ऐसे देते हैं जैसे जुम्मन मियां हाजमे की गोली बांट रहे हो। कुछ ऐसा ही हाल है पाक के मंत्रियों का। जी हाँ, दरअसल उनसे अपने लोग तो संभल नहीं रहे हैं और उन्होंने ऐसे में इल्जाम जो है वो भारत के ऊपर डाल दिया है। दरअसल पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। सोमवार को रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब उसकी खुफिया एजेंसी रॉ अब पाकिस्तान में लोकल गुंडों को शांति भंग करने के लिए पैसे दे रही है। जनाब, ये भूल गए कि पाकिस्तान के आतंकियों को ठोकना होगा तो घर में घुसकर ठोकेंगे, ना कि लोकल गुंडों के सहारे। खैर, पाकिस्तान तालिबान के साथ बातचीत पर शेख रशीद ने कहा अब सरकार और टीटीपी के बीच कोई बात नहीं होगी, उन तत्वों के साथ बातचीत संभव नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि भारत अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बेहतर संबंधों को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसे अफगानिस्तान में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इस दौरान शेख रशीद ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाकिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। रशीद ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमले बढ़े हैं और ऐसे में भारत पिछले साल लाहौर में जौहर टाउन विस्फोट में शामिल था, ऐसा पाकिस्तान के गृह मंत्री का कहना है। इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उग्रवाद को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों को शामिल किया है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान मंत्री ने कहा था कि अफगानिस्तान में मौजूदा माहौल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि रॉ और एनडीएस अफगानिस्तान में हार गए थे। रशीद ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी सेना की ओर से बाड़ लगाए जाने के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सीमा पर 21 किलोमीटर बाड़ लगाने का काम बाकी है। तालिबान की ओर से फेसिंग तोड़े जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक छोटे क्षेत्र की घटना है। बता दें कि पाकिस्तान में टीटीपी ने इमरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आपका इस वीडियो में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, जय हिंद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।